आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि मेरा भी गृह जिला ये जयपुर जिला है और मातृ है से चौथा गांव मेरा गांव है चिमनी ढाणा, बेलोदान बाजरा दोपहर धन और चिमनी। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज चुनाव के इस प्रचार का आखिरी दिन है। बैठ जाए मेरे भाई, प्रचार का आखिरी दिन है और आप सब जानते हैं कि 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा, लेकिन आपने नहीं थमना है, आपने इसी तरीके से चलते जाना है। और 21 तारीख को सुबह सुबह जैसे ही वोट गिरना शुरू हो, सबसे पहले अपने वोट डाल करके और फिर से शुरू की दौड़ने का काम करना है। रुकेंगे आपको नहीं, रुकेंगे हमको नहीं, जब तक अपनी सरकार इस प्रदेश में जेजेपी के नहीं बन जाते, भाई दुष्यंत चौटाला के नहीं बन जाते, तब तक ये सफर हमारा जारी रहना चाहिए। और उसके बाद अगला सफर जो हमने वायदे किए हैं, जेजेपी ने आपसे वायदे किए हैं, चाहे पेंशन के हो, चाहे नौजवानों के रोजगार के हो, चाहे किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का मामला हो। अपने भाई दुष्यंत जी कह रहे थे यहाँ पर कि जब झज्जर जिला, रोहतक जिला, कलानूर जिला, कलानूर के प्रत्याशी भाई राजेंद्र जी आए हुए और थोड़े पद में भी उसका आतंक मचाया। हरियाणा 4-4 बार जब जला तो ये बात सच है कि हो सकता है कुछ लोग दिल्ली में बैठे हो, लेकिन ऐसे भी कांग्रेसी धंधे जैसे जो उस समय भी सड़कों के ऊपर थे और शांति और भाईचारा कायम करने के लिए झज्जर की सड़कों पे, कलानौर की सड़कों पे, रोहतक की सड़कों के ऊपर घूमने का काम कर रहे थे। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँ, आज दुष्यंत जी के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो हम खड़े हुए हैं, ये बात ठीक है कि वो ड्राइविंग सीट पे है और ये गाड़ी निश्चित तौर पर, और कह रहे थे 53 सीट है, 53 है सीट, लेकिन ये झज्जर की जनता है, कलानूर की, ये तो जो है छात में भी चढ़ जाएंगे और खड़े खड़े भी जाएंगे। और 53 है, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो 75 पार का नारा दिया था, कुछ नहीं निकला, लेकिन ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके और भाई नसीब जैसे साथियों के साथ हरियाणा के विधानसभा में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। मैं तो आप लोगों से, क्योंकि प्रोग्राम काफी है, आज 4-5 प्रोग्राम है, यही कहूंगा कि जैसे कहते हैं कीटनाशक दवा, लोगों ने कीटनाशक खेतों में छिड़कते है ना, और भाई कई ऐसे लोग हैं इस राजनीति में जिन्होंने वोट राशि दवा छिड़क रखी है, सारे वोट खत्म कर दिए, अब दोनों लोग वहां पर सरकार हम बनाएंगे। भाइयों पूरी मजबूती से माता बहन छत्री बिरादरी एकजुट होकर के ये चाबी के सामने बदन दबाना, अगले सरकार बनाना और अपना राज लेकर के आना। बाकी ये तो विधायक बनेंगे, भाई दुष्यंत जी का मुख्यमंत्री बनाओगे, हम भी पूरी मजबूती से हो, या चाहे सैनिक स्कूल हो, मैं भी फौजी का बेटा हूँ, ये इलाका फौजी बहुल इलाका है, मैं करके चाहूँ हमारे भूतपूर्व सैनिक हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग की पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और ये देखो कितना सुंदर लगता है झंडा, बड़ा कितना सुंदर, देखो हरा पूरा, किसी शायर ने कहा है कि लाल पीले हरे गुलाबे कई रंगों के आनंद आएंगे, लेकिन इस बार तय है कि हम आएंगे, हम आएंगे। और भाई सरू जी को जिताओ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम।